90s की फिल्मों में अक्सर आपने एक अंग्रेज विलन को नोटिस किया होगा। फिल्म मर्द से लेकर कालिया, मिस्टर इंडिया जैसी कई बड़ी फिल्मों में इन्होंने हीरो की नाक में दम किया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर विलन बॉब क्रिस्टो की। बॉब भले ही फिल्मों में लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन उनकी असल जिंदगी के रोमांस के रंग भी बड़े दिलचस्प थे, खास तौर पर बॉब के भारत पहुंचने का किस्सा। वो मस्कट के लिए ऑस्ट्रेलिया से निकले, लेकिन वर्क परमिट नहीं मिला तो मुंबई में ही रुकना पड़ा। एक दिन बॉब क्रिस्टो ने एक मैगजीन में परवीन बाबी की फोटो देखी और उन्हें देखते ही रह गए। परवीन से मिलने की ख्वाहिश लिए बॉब मुंबई घूमने लगे। एक बार एक इंटरव्यू में बॉब ने बताया था कि उन्होंने एक मैगजीन के कवर पेज पर परवीन बॉबी की तस्वीर देखी तो देखते ही रह गए। उनसे मिलने की ख्वाहिश में मुंबई के चर्च गेट पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात एक फिल्म यूनिट से हुई, जहाँ पता चला कि कैमरामैन अगले दिन द बर्निंग ट्रेन के सेट पर परवीन बॉबी से मिलेगा। फिर क्या था, अगले ही दिन उसकी मदद से परवीन बॉबी से मिलने पहुंच गए। बॉब कैमरामैन से परवीन बॉबी को लेकर बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। बॉब ने मुड़कर देखा तो परवीन बॉबी ही थी, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। बॉब उनके पास गए और बोले, आप परवीन बॉबी नहीं है। मैगजीन का कवर दिखाया और कहा, ये लड़की परवीन है। बॉब की ये बात सुनकर परवीन कुछ देर तक हंसती रही, फिर रुककर बोली, शूटिंग के अलावा कभी मेकअप नहीं करती। इस एक मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले संजय खान ने बॉब को 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला में विलन का रोल ऑफर किया था।